नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्स भोपाल के अंदर वैकेंसी निकली है। अब डिटेल्स इसके अपने बात करते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे रजिस्ट्रार की होगी, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्टें होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की पोस्टें होगी, मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्टें होगी और अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्टें होगी, इनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। ये आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसकी जो भी ऑफिशियल PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वो आपको लिंक है उनकी, वो मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे हम बात करेंगे केवल ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है इंस्टीट्यूट की, जिसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए है। यहाँ पर पे बैंड 3 रहेगा, जिसमें 15,600 से लेकर 39,100 विद ग्रेड पे और रुपये 5,400 लेवल 10 के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगी। यहाँ पर जो एज अपर एज लिमिट है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम पोस्टों की बात करें तो टोटल 33 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ या सिस्टर ट्यूटर के रूप में, डिप्लोमा भी होना चाहिए, साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 3 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी है नर्सिंग के अंदर, रजिस्टर्ड नर्स है, मिडवाइफ है, कोई भी स्टेट या नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट ये वैकेंसी है, टोटल 33 पोस्ट हैं। आगे जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप है उसकी जो डेट है वो इसका देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे जाकर आप इसको फिलअप कर सकती है, इसकी ऑफिशियल साइट है, इस ऑफिशियल साइट पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो जब भी आप एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी स्कैंड कॉपी लगेगी वो भी आपके पास होनी चाहिए, आपका जो भी सिग्नेचर है या साइन है, फ़ोटो है, वो भी अपलोड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, और कोई भी जो डिटेल है ऊपर एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी गई वो भी फिलअप करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें सारे आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपकी जो डिग्री है उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो, और आपके पास आपकी डिग्री, मार्कशीट, एज प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा कास्ट या कैटेगरी वाइज, जो एज रिलैक्सेशन है इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू साथ में रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फीस की बात करते तो फीस 1,000 रुपये रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजिडो या OBC कैटेगरी के हैं, 250 रुपये फीस उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, और आप जो इसकी फीस है वो इसकी ऑनलाइन साइट यानी ऑनलाइन मोड ओनली वायो पेमेंट गेटवे ऑफ एम्स भोपाल के अंदर करवा सकते हैं, यानी केवल ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और इसकी ऑफिशियल साइट एम्स भोपाल के नाम से उस पर जाकर करनी पड़ेगी। साइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एप्लीकेशन फीस है वो भी आपके पास रख लेनी है, आगे भविष्य में ये काम आने वाली है। और अन्य कुछ डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ये ऑफिशियल साइट की लिंक है और साथ में इसकी मेल आईडी भी दे रखी है, किसी प्रकार के आपको सूचना चाहिए तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप हमारी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।